उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि शाहगंज थाना क्षेत्र के साकत कॉलोनी पुलिस बूथ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर एक शख्स की हत्या कर सनसनी फैला दी है। दरअसल ये मामला आज सुबह का है, जब थाना शाहगंज पुलिस को सूचना मिली कि साकेत कॉलोनी कोठी नंबर 1 ज्योति विकास नर्सिंग होम बोर्ड पर लगी कोठी के एक चौकीदार की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। हत्या की सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस CO लोहा मंडी और सहित SP सिटी कुंवर अनूप सिंह भी मौके पर पहुँच गए। हत्या की जाँच पड़ताल के लिए घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुला लिया गया। साकेत कॉलोनी थाना शाहगंज के पुलिस बूथ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर हत्या की वारदात को बदमाशों ने अंजाम देकर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार को खुला चैलेंज दिया है। रोक सको तो रोक ले, इस घटना से आगरा पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। बूथ पर रात भर मौजूद रहने वाले पुलिस की पिकेट आखिर उस वक्त क्या कर रही थी जब बदमाश इस घटना को अंजाम दे रहे थे? प्रारंभिक जांच पड़ताल में पुलिस के आला अधिकारियों ने पाया कि मृतक 60 वर्षीय बुजुर्ग है। वो कोठी के बाहर ठेला लगाकर अपना पेट पालता था और रात को कोठी की चौकीदारी किया करता था। प्रारंभिक जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया कि शव जमीन पर ही पड़ा हुआ था और कमरे का सामान बिखरा हुआ है, फ्रिज खुला हुआ था, साथ ही मृतक का रात का भोजन भी खुली अवस्था में पड़ा मिला। संभावना जताई जा रही है कि किसी अन्य व्यक्ति ने यहां आकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या करने वालों की मंशा और हत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। वहीं SP सिटी कुंवर अनूप सिंह का कहना है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट किया जाएगा कि उसके शरीर पर चोट के निशान कहां कहां हैं। साथ ही जिस कोठी में हत्या की वारदात हुई है वह परिवार पिछले एक हफ्ते से बाहर गया हुआ है। पुलिस ने परिवार को सूचना दे दी है। परिवार के बयान, आसपास के साक्ष्य लेकर पुलिस हत्या के खुलासे में जुट गई है। पर अब देखना होगा कि पुलिस बूथ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर हत्या की वारदात करके चुनौती देने पुलिस को कैसे लेती है। ये शाहगंज थाने में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बंद मकान में जो घर के लोग यहां से बाहर गए हुए थे और एक ठेले वाले को अपने घर की निगरानी देकर गए हुए थे। आज सुबह वो जो निगरानी में काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति है, मृत अवस्था में पाया गया है और जांच हम लोग इस चीज़ की कर रहे हैं। जाँच शुरू हो गई, मुकदमा कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? शरीर पर कहाँ इंजरी थी? कमरे का सामान किस स्थिति में था? कोई भी चीज़ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, थोड़ा समय दीजिए। जांच हो रही है और रिकॉर्ड बहुत जल्दी होगा। डॉक्टर साहब कहाँ है जहाँ ये जिस कैंपस में ये लाश मिली है वो परिवार कितने दिन से बाहर है? ये करीब एक हफ्ते से बाहर हैं ये लोग। जैसा आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।